हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कृषि अबाउट कार के एक और फ्रेश वीडियो में। तो आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कार के जो ब्रेक सिस्टम रहती है उसके ऊपर। तो हमारी जो कार रहती है, चाहे वो कोई सी भी हो, उसके अंदर चार अलग अलग टाइप की ब्रेक्स रहती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी ब्रेक है और उसको कब अप्लाई करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली ब्रेक अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा जो नॉर्मल ये अपने ब्रेक पेडल रहती है, तो ये तो सिंपली हम जो है यूज़ करते ही है। तो इसको आपको पता ही है कि जब भी हमें कार को ब्रेक लगानी हो तो हम इसको जो है प्रेस करते हो तो कार अपनी ब्रेक हो जाती है। वो सिंपल बात है, वो सारे लोगों को पता रहती है। दूसरी ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो वो है अपनी ये हैंड ब्रेक। तो ये भी सिंपली आपको पता ही है, इसके अंदर जो है आप इसको ऐसे करते हो तो कार जो है अपनी हैंड ब्रेक से निकल जाती है, मतलब कि अभी ब्रेक नहीं लगी हुई है। और इसको आप जैसे पुल करोगे तो आपकी हैंड ब्रेक लग जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो अपना रियर व्हील रहता है वही सिर्फ लॉक होता है, मतलब कि रियर व्हील ही ब्रेक, रियर व्हील के अंदर ही सिर्फ ब्रेक जो है वो अप्लाई होती है। और यहाँ पर हम बात करें अपने जो ब्रेक पेडल, यहाँ से हम प्रेस करते हैं तो हमारे चारों व्हील के अंदर ब्रेक लगती है। अभी यहाँ पर दो तीन और भी सिस्टम आते हैं, जैसे कि ABS हो गया या EBD हो गया, तो वो अलग बात है, बट मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रेकिंग की बात करता हूँ। तो ये दो ब्रेकिंग जो है वो हम सबसे ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं, बट दो ब्रेकिंग ऐसी भी है जो कि काफ़ी बार जो है किसी, मतलब कि लोगों को पता नहीं रहता और काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, तो वो रहता है। उसमें हम बात करते हैं, पहली ब्रेकिंग है अपनी एक्सेलरेशन ब्रेकिंग। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम कार को ड्राइव करते हो तो एक्सेलेरेटर को प्रेस करते हैं तो कार जो है अपना RPM ज़्यादा होता है और कार जो है अपनी रनिंग हो जाती है। बट जब भी हम कार का आपको जो है एक्सेलेरेशन, उसको एक्सेलेरेटर पेडल जो है उसको जैसे ही आप छोड़ते हो तो कार की जो स्पीड है वो जो है धीमे धीमे करके डाउन हो जाती है। मतलब कि आप अगर उसको देखें तो वो एक टाइप से जो है अप्लाई जो ब्रेक है वो होती है, मतलब कि कार जो है धीमे धीमे करके उसकी स्पीड जो कम हो जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद जो अपनी कार है वो खड़ी हो जाएंगी। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन ब्रेक। दूसरा रहता है गियर ब्रेकिंग। अभी गियर ब्रेकिंग जो है उसके अंदर आपको पता ही है, काफ़ी बार जो है कार जो अपने फिफ्थ गियर के अंदर आप चला रहे हो, मतलब कि, और अगर आप उसको जो है सडनली थर्ड गियर या सेकंड गियर के अंदर ले जाते हैं, जैसे कि गाड़ी अपनी नॉर्मली फिफ्थ गियर के अंदर चल रही हो, चाहे वो आप फिफ्थ हो या फोर्थ हो, जो भी हो, और उसको जैसे आप लोअर गियर के अंदर जब कर देंगे तो कार जो है उसके RPM ऑटोमेटिक उस वक्त हाई हो जाएंगे और जो कार की स्पीड है वो एकदम से लो हो जाएंगी। मतलब कि अगर जहाँ पर 70-80 की स्पीड पर कार जो है वो चल रही होती है, तभी हम जब गियर जो है वो एकदम से डाउन करेंगे सेकंड या थर्ड गियर के ऊपर, तो कार जो है वो एकदम से अपनी स्पीड जो है वो कम करके 40 से 50 के आसपास जो है इसकी स्पीड आ जाती है। अभी जो बात करते हैं हमें ये दोनों ब्रेक्स जो है वो कब यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला अपना जो है ये एक्सेलरेशन पेडल से ब्रेक रहती है। तो इसके अंदर क्या रहते हैं, जैसे इसको हम प्रेस करते हैं तो अपनी कार जो है वो सिंपली चलती है, बट और जैसे ही हम इसका एक्सेलरेशन पेडल जो रहता है, एक्सेलेटर पेडल जो कहते हैं, इसको जैसे हम छोड़ते हैं तो कार जो है उसकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी और जो है मतलब कि ये एक टाइप से ब्रेक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करते हो, जैसे कि अगर हम हाईवे के ऊपर चल रहे हैं और कभी भी हमें इसकी जो स्पीड है वो अच्छे से आप जो है बढ़ा लिए, बट आपको जब भी इसकी स्पीड कम करनी रहती है तो इसको हमें सिंपली छोड़ देते। अभी काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कार का जो गियर रहता है उसको न्यूट्रल कर देते हैं, वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। काफ़ी लोगों का ऐसा रहता है कि इसको हम न्यूट्रल पर करके कार को हम जब डाउनहिल भी रहती है उस वक्त हम इसको ड्राइव होने देते हैं, चाहे वो आप हाईवे पे हो या डाउनहिल पे हो, आपको न्यूट्रल करके कभी भी कार को जो है ऐसा नहीं करना है कि कार को चलने देना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेक है, जब भी आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा तो ब्रेक सिस्टम के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और उससे जो है आपके ब्रेक सिस्टम ज़्यादा वियर एंड टीयर इसके अंदर होगा। तो आपको ऑलवेज जो है इसको क्या अंदर, इसको क्या करना है कि आप जो गियर के अंदर चल रही है उस गियर के अंदर चलने दीजिए और एक्सेलरेशन जो पेडल है उसको छोड़ दीजिए।
इससे क्या होगा कि स्पीड एक तो आपकी बढ़ेंगी नहीं, और नॉर्मली जब कार जो है आपकी हाईवे के ऊपर चलती रहती है और उस वक्त अगर आप इसका एक्सीलरेशन पेडल छोड़ देते या कार जब डाउन हिल रहती है तब छोड़ देते हो, तो उससे क्या होगा कि जैसे कार जो है वो अपने आप चलेंगी और जब कार नीचे की तरफ जाती है तो उससे इसका जो माइलेज है वो बढ़ जाएगा। तो ये आपका फाइनल है कि जब आप न्यूट्रल पे करके आप डाउन हिल पे कार को ले जाते हो तो वो ज़्यादा आपको माइलेज नहीं देगा और आपकी ब्रेक सिस्टम के अंदर भी इश्यू कर सकता है। आपको जो है उसको हाई गियर के ऊपर रखना है और एक्सीलरेशन पेडल आप सिंपली छोड़ दीजिए और कार जो है वो ऑटोमेटिक डाउन हिल अपनी कार जो है वो चलती रहेंगी और उससे आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। अभी बात करते हैं गियर ब्रेकिंग की। तो ये सिंपली आप जो है मतलब कि ऐसी दो ट्रिक है कि जिस वक्त आप इसका यूज़ कर सकते हो। पहला तो रहता है जब कार की ब्रेक सिस्टम जो है वो फेल हो गई हो, और दूसरी है जब आप कार को माउंटेन के अंदर या डाउन हिल ड्राइव कर रहे हो। सबसे पहले ब्रेक सिस्टम में कोई भी एरर आ जाता है तो उसके कारण अपनी जो कार की ब्रेक रहती है वो फेल हो जाती है। तो सपोज आपकी कार जो है वो फिफ्थ गियर के ऊपर चल रही है और उस वक्त ब्रेक फेल हो जाएगा तो आपका ब्रेक अप्लाई नहीं होगा। आपको उस वक्त हैंड ब्रेक का यूज़ नहीं करना है। उस वक्त आप हैंड ब्रेक यूज़ करोगे तो आपकी कार जो है वो आउट ऑफ बैलेंस चली जाएंगी और ऊपर से कार जो है वो पलटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो क्या करना है, आपका जब फिफ्थ गियर के अंदर सपोज कार चल रही है 70 या 80 की स्पीड के ऊपर या उससे भी ज़्यादा, तो क्या होगा आपको सिंपली जो है इसको थर्ड गियर के अंदर शिफ्ट कर देना है। तो जो आपका कार है वो झटके से अपनी कार का जो स्पीड है उसको डाउन कर देगा, जहाँ पर 80-90 की स्पीड रहती है या 70 के बीच भी स्पीड रहेंगी वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगी और उसके बाद तुरंत ही आप उसको और लोअर गियर के अंदर डाल लीजिए। उससे क्या होगा कि जो स्पीड रहेगा वो और भी कम हो जाएंगी और तब जो है आप इसका जो हैंड ब्रेक है उसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त जो है आपकी गाड़ी रुक जाएंगी और हैंड ब्रेक उस वक्त लगाने से आपकी कार जो है वो पलट भी नहीं होंगी और आराम से कार जो है वो रुक जाएंगी। दूसरी बात करते हैं जो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जब कार जो है वो आप अप हिल या डाउन हिल जो है डाउन हिल आप इसको ड्राइव कर रहे हो तब, तो लोग क्या करते हैं डाउन हिल के अंदर ब्रेक पेडल का ज़्यादा यूज़ करते हो। वैसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। जितनी आप इसको डाउन हिल जो है ब्रेक सिस्टम को आप प्रेस करते रहेंगे, आपका जो डिस्क ब्रेक रहते हैं उसके अंदर आपका दो पार्ट रहते हैं, आपको पता ही है, जो इसका डिस्क पेड रहता है और जो इसका रोटर रहता है वो हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसके कारण आपकी ब्रेक जो है वो फेल हो जाती है। तो उस वक्त भी आप ये इसको सिंपली यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करना है कि सपोज आप कार जो है वो डाउन हिल के अंदर चल रही है तो आपको गियर जो है वो ऑटोमेटिक कम रखना है, मतलब कि दूसरे या थर्ड गियर के अंदर रखनी है। तो उससे क्या होगा कि जो कार का RPM है वो ज़्यादा बढ़ेगा बट जो आपकी स्पीड है वो कम रहेंगी। तो उससे ये बेनिफिट रहेंगी कि कार की स्पीड जो है वो एकदम से बढ़ेंगी नहीं, कम रहेंगी, और उस वक्त आप सिंपली इसका यूज़ कर सकते हो। और जब भी ब्रेक की आप ज़रूरत हो तो सिंपली आप ब्रेक अप्लाई करके ब्रेक ले सकते हो, और जैसे ही आपको नॉर्मल चलने देनी है तो आप लोअर गियर के अंदर ड्राइव कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि एक तो आपकी ब्रेक सिस्टम जो है वो ज़्यादा जो है हीट नहीं होंगी, तो जब भी आपको इमरजेंसी के अंदर ब्रेक सिस्टम मतलब कि ब्रेक अप्लाई करनी हो तो तब कार जो है वो आपकी प्रॉपरली खड़ी हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।